कौन करता है? मिट्टी की जो तारीकी होती है, अंधेरा है, उसमें बीज को कौन पाल रहा है? अल्लाह ताला। तो मुसलमानों को ये इंसेंटिव मिला कि अल्लाह ताला ये सारे काम कर रहा है, आए देखें कि हर पौधे में हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे छुपे हुए हैं। और मुसलमानों ने जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की, ये ज़रूरी एक इनकलाब आया पूरी दुनिया में, इसे सब्ज़ इनकलाब भी कहा जाता है। और उसकी वजह से 7वीं सदी से लेकर 13वीं सदी ईस्वी तक, यानी 600 साल सारी दुनिया पे मुसलमान छाए रहे। मुसलमानों के पास सबसे ज़्यादा दौलत थी उस वक्त। प्रोफेसर एंड्रयू वाटसन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के हैं, वो कहते हैं मुस्लिम्स वर ह्यूज यूनाइटेड नेशन। एक बहुत बड़ी मुत्तहिद इकाई थी मुसलमान। दे वर वेलकमिंग एवरी थिंग विच वॉज न्यू। कोई दुनिया में चीज़ नहीं होती तो उसको वेलकम करते, उसको एक्सेप्ट करते, उसको कबूल करते, उसमें मज़ीद तहकीक करते। जब लंदन कच्चे घरोंदों का एक छोटा सा गांव था, उस वक्त कुर्तबा में 700 मस्जिदें थीं। उस वक्त कुर्तबा में 300 पब्लिक बाथ थे और पक्की रोड्स थी, और रात को स्ट्रीट लाइट्स होती थी, और फाउंटेन्स, फुआरे और बागात सरकार ने बनाए थे, हुकूमत ने बनाए थे। ये अब आप इसको इमेजिन करें, सोचें कि उस वक्त मुसलमान स्पेन में कितनी तरक्की याफ्ता हो चुके थे। और ये वो तरक्की है कि जो बाद में यूरोप ने उठा ली, ये तहकीक है जो बाद में यूरोप ने उठा ली। वेस्टर्न स्कॉलर बुर्की कहता है कि मुस्लिम रूलर्स जो थे वो एग्रीकल्चर से इतना प्यार करते थे कि उसके ऊपर उन्होंने किताबें लिखी। कौन? यमन के एक रूलर थे रावा इब्न यूसुफ, एक और रूलर गुज़रे हैं अब्बास इब्न अली, और फिर हिंदुस्तान में बाबर और जहांगीर जैसे लोगों ने किताबें लिखी हैं। बाबर नामा मैंने ख़ुद पढ़ा। इत्तफ़ाक़ से मस्जिद-ए-नबी में मदीना शरीफ में मैं 10 नंबर गेट के ऊपर एक लाइब्रेरी है, उसमें बैठा हुआ था। उसमें लाइब्रेरी में मुझे बाबर नामा मिला, और जब मैंने बाबर नामा जो सफ़ा खोला, उसमें बाबर लिखते हैं। अब मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी है बाबर ने, हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले अच्छी तरह जानते हैं। वो लिखते हैं कि जब हम हिंदुस्तान आए तो हमें काम का कोई फूल नहीं नज़र आया, कोई पौधे नहीं नज़र आया, ऐसे कोई ग़िज़ाई अजनास नहीं नज़र आई, कोई ऐसे फ्रूट नहीं मिले खाने को। फिर वो उन्होंने क्या किया, वो सेंट्रल एशिया से प्लांट्स लेकर आए, पौधे वहाँ से लाए और उगाए। अब देखें पाकिस्तान और इंडिया में कि आम है, सारी दुनिया में बेहतरीन वैरायटी वहाँ मिलती है। तो ये चूँकि मुसलमान मुत्तहिद थे, एक बहुत बड़ी कौम थे मुसलमान, इस वजह से वो एक जगह का प्लांट दूसरी जगह ले आते थे।